हाय फ्रेंड, आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं SKG के ब्लॉग। तो आपका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज देख सकते हैं मेरा बेटा भी है साथ में। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं साहिल? हम लोग दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं। दुर्गा पूजा कहाँ देखने जा रहे हैं? बीटा में हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने। साहिल आज काफ़ी जिद कर रहा था कि हमको दुर्गा पूजा देखना है, तो आज हम लोग चलेंगे दुर्गा पूजा देखने बीटा का। और चलिए इस बहाने आप लोग भी बीटा में दुर्गा पूजा देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ? दुर्गा पूजा देखने। दुर्गा पूजा देखने, क्योंकि शोर शराबा होगा इस कारण से मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बीटा, और आप बीटा चल के आपको दिखाते हैं कि इन साल बीटा में दशहरा पूजा किस तरह से मनाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं हम आ गए हैं बीटा में। ये देखिए, तो इस बार बीटा में काफ़ी अच्छा तरह से डेकोरेट किया गया है, आप लोग यहाँ पर देखिए। और काफ़ी अच्छा तरह से यहाँ पर सजाया गया है। ये दानापुर टू आरा रोड, और इसी के जस्ट बगल में ये सूर्य मंदिर है। और सूर्य मंदिर के बगल में ही यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से सजाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है, बहुत ही सुंदर। मैं आपको चारों तरफ से दिखला देता हूँ। ये पंडाल है दुर्गा जी का, और इसके चारों तरफ से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मेला जैसा लग जाता है। अभी तो सप्तमी है, नवमी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगा। और इधर में देख सकते हैं कि क्या सामान बिक रहा है। सूर्य मंदिर है, लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पंडाल पूरा अच्छा तरह से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर पंडाल देख रहे हैं आप लोग, इस बार पंडाल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बनाया गया है बीटा में। और इधर झूला की व्यवस्था किया गया है इधर। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से माता जी का दर्शन करवा देता हूँ, दुर्गा माता का। तो आप लोग देखिए, मैं नज़दीक में ले जाकर दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा है दुर्गा जी का मूर्ति। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। आगे चलते हैं, और इधर देख रहे हैं ये झूला है। झूला का भी व्यवस्था यहाँ पर हर एक साल होता है। और यहाँ पे कुछ सामान मिल रहा है। तो इस बार सूर्य मंदिर का कुछ इस तरह से सजावट हुआ है 2022 में, आप लोग यहाँ पर देखिए। और चलिए मैं आगे आपको ले चलता हूँ। बीटा में और भी मूर्ति है, जो थाना से डोमिनिया पुल के बीच में
मूर्ति है। चलिए मैं उनको आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये जैसे ही हम थाना से आगे बढ़ेंगे तो ये मूर्ति फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। आगे हम लोग चलते हैं और आगे का आपको दिखाते हैं दृश्य। रोड पर सजावट कुछ इस तरह से किया गया है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा सजावट है। ये आपको सजावट जो रोड का है ये थाना से डुमरिया पुल तक मिलेगा आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आरती हो रहा है। यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है और इसी मंदिर को सजा दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आरती हो रहा है। इस बार दुर्गा पूजा बिहटा में बहुत अच्छा तरह से मनाया जा रहा है और नवमी को काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने को मिल सकता है। तो इस बार दुर्गा पूजा कुछ इस तरह से मनाया जा रहा है बिहटा में, आप लोग देख लिए होंगे। और यहाँ पर नवमी को काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं कि रोड के किनारे किनारे लाइट आपको थाना पर से जो शुरू होगा और वो डुमरिया पुल तक आपको इसी तरह मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो तब तक के लिए जय माता दी।